हेलो फ्रेंड्स, asosomteaching.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ लौकी की बिल्कुल नई और मजेदार चटपटी मसालेदार सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी हम बनाएंगे पंचफोरन मसाले के साथ। अगर आप लौकी की सिंपल सी सब्जी खा के बोर हो चुके हैं तो आप इस लौकी की सब्जी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप आपकी लौकी की सब्जी में थोड़ा चेंज तो आएगा, साथ ही उसके खाने का स्वाद भी आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचफोरन लौकी की मसालेदार सब्जी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। कढ़ाई हमारी जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म करी है मैंने और अच्छे से गर्म भी हो गई है। जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसे सरसों के तेल में या घी में भी बना सकते हैं। साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे पंचफोरन मसाला, जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच सरसों के दाने, एक चौथाई चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है, उसी में ही लिया है आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच मेथी के दाने और एक चौथाई चम्मच कलौंजी। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी दो सूखी लाल मिर्च और इसे अच्छे से हम स्प्लटर कर लेंगे, यानी अच्छे से इसको तड़का लेंगे। तो जैसे इसमें तड़कने की आवाज आ जाएगी तो हमारा जो पंचफोरन मसाला है वो अच्छा फ्लेवर देगा। साथ ही अब इसमें डालूंगी एक चौथाई चम्मच हींग और हिला थोड़ा सा मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे हमारी 300 ग्राम कटी हुई लौकी। लौकी को मैंने धो के पील करके इसे क्यूब कट में काट लिया है। आप इसे अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा भी बना सकते हैं। और नमक मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार, ताकि हमारी जो लौकी है वो अच्छे से पकने में हेल्प हो जाए। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि हमारी लौकी 90% तक कुक हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी लौकी देखिए अच्छी खासी पक गई है, ये 90% पक चुकी है। इसे चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, जिसमें एक चम्मच है धनिया पाउडर, आधा चम्मच है सांभर मसाला, एक चौथाई चम्मच है यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक फिर थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने एडजस्ट करने के लिए डाला है। अब इन मसालों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब फ्लेम को हम स्लो करके इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घर का ताजा दही। अब दही को भी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मिला लेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे मिलाएंगे तो दही जो है वो फट जाता है और स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है हमारे किसी भी रेसिपी का। तो धीमी आंच पे हम लौकी दही है उसको मिला लेंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट बाद हमारी सब्जी को चेक करेंगे। वाओ, लग रही है ना बिल्कुल हटके और टेम्पटिंग। तो अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। आप हरे धनिया की जगह हल्का सा गरम मसाला और कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, अब इसे फटाफट हम सर्व कर लेंगे। हमारी लौकी की ये पंचफोरन मसालेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप पुरानी वो बोर करने वाली लौकी की सब्जी बिल्कुल भूल जाएंगे। छोटे से लेके बड़ों तक इसको हर कोई पसंद करेगा। बच्चों के लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स के लिए ये सबसे परफेक्ट सब्जी है और झटपट बन भी जाती है। तो आप इस रेसिपी को प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का करती हूँ इंतजार। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इंजॉय करें इस नई और यूनिक मसालेदार लौकी की सब्जी को। बाय बाय।